नमस्कार, मेरा नाम सुनील शिंदे और मैं यहाँ कुछ चंद बातें आपके साथ करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने जो पिछले 3-4 महीने से जो जो कुछ मचा रखा है, हम उससे काफ़ी हद तक सभी लोग डिस्टर्ब है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। ये जो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, ये भी उसी का एक नतीजा है। पर कहते हैं ना कि हर आपत्ति अगर चुनौतियाँ लाती है तो अवसर भी लाती है। तो हो सकता है कि ये जो ऑनलाइन हुआ है, शायद इसमें कोई अच्छाई छुपी हो। ओके, तो ये सोच के हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये 3 कहानियाँ हैं जो एक दूसरे से काफ़ी निगड़ित है, मिलती है। तो सबसे जो पहली कहानी है वो है माइंडसेट की। ठीक है, आप सब जानते हो कि जब हाथी छोटा होता है, हाथी का बच्चा काफी नटखट होता है, यहां वहां भागने की कोशिश करता है, तो वो जो माहूत होता है वो क्या करता है, उसके पैर में वो एक जंजीर बांधता है और वो किसी पेड़ को वो बांध के रख देता है ताकि वो यहां से भाग ना सके। अब क्या होता है कि जैसे ही वो हाथी के बच्चे को जंजीर से जकड़ लिया जाता है, तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, काफी कोशिश करता है वो। दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं। जब भी उसको बांधा जाता है तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर इतनी मजबूत होती है कि वो जो हाथी का बच्चा रहता है उसको नहीं तोड़ सकता। लेकिन क्योंकि वो बार बार कोशिश करता है और वो कोशिश में नाकाम होते रहता है, तो कुछ वक्त गुजरने के बाद उसके दिमाग में एक क्या बोलते हैं, फिट हो जाता है कि ये जंजीर मुझसे टूटी नहीं जा रही है, ये मैं नहीं तोड़ सकता। अब इस माइंडसेट के साथ वो जीता है। और ये हाथी जब बड़ा होता है, ठीक है, अब ये जब युवा अवस्था में आ जाता है, अब क्या होता है कि माहौत उस जंजीर को बदलने की तकलीफ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है कि हाथी नहीं भागेगा। अब वो हाथी क्यों नहीं भागता है? क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता है कि मैं काफी बाकी सारी चीजें, आप मुझे ये चीज तोड़ने के लिए बोलो या वो मैं कर सकता हूँ, ये चीज उठाने के लिए वो मैं कर सकता हूँ, जंजीर अरे वो मत बोलो, वो मैंने बहुत कोशिश की है, वो मैं नहीं तोड़ सकता। तो बाल अवस्था में जो माइंडसेट लेके हम जाते हैं, आगे जाके उसका असर इस तरह से हो जाता है कि वो फिट हो जाता है कि ये नहीं कर सकते, या मेरे बस की बात नहीं है। कहानी नंबर एक। अब दूसरी कहानी। अब जो दूसरी कहानी है वो है थॉमस अल्वा एडिसन। हम सब जानते हैं कि वो एक मशहूर वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। एडिसन जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसे तकलीफ थी अक्षर पहचानने की, लिखने की। अब इसकी वजह से काफी टीचर परेशान थे, क्लास परेशान रहता था। तो एक दिन प्रिंसिपल मैडम ने एक चिट्ठी लिखी, उसको एनवलप में बांध के एडिसन के हाथ में थमा दी और बोला, ये जाके अपनी माँ को देना और उसे बोलना इसे पढ़ो। एडिसन घर आया, उसने माँ को चिट्ठी दे दी, माँ ने वो चिट्ठी खोल के पढ़ी, जोर से नहीं, मन में पढ़ी। जब एडिसन बहुत इज्जत करने लगा कि क्या लिखा है, तो माँ ने बोला, इस चिट्ठी में ये लिखा है कि आपका लड़का इतना नॉलेजेबल है, उसे इतना ज्ञान है कि उसको सिखाने लायक हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, तो आप उसको घर पर ही पढ़ाइए। अब जब एडिसन ने ये सुना, तो उसने क्या सोचा अपने बारे में? ये सोच से उसने जो भी आगे पढ़ाई की घर पे, आगे जाके वो एक मशहूर साइंटिस्ट बना, एक सक्सेसफुल इंसान बना। आगे जाके क्या हुआ कि जब कुछ सालों बाद जब उसके माँ का देहांत हुआ, जब वो माँ की सारी चीजें इकट्ठा कर रहा था, उस वक्त उसको चिट्ठी मिली। और इस वक्त जब उसने चिट्ठी खोल के पढ़ी, तब उसको समझा वो चिट्ठी में क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि आपके बच्चा, उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं, हम उसको
इस स्कूल से निकाल रहे हैं, आप उसको घर में पढ़ाइए। लेकिन ये चिट्ठी अगर ऐसी की ऐसी पड़ी रहती थी एडिसन को, तो वो किस भावना के साथ जीता था आगे? सोचने वाली बात है ना? अब आते हैं तीसरी कड़ी पर। ये कहानी नहीं है, ये एक वाकया है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप फर्ज करो कि मिया बीवी और उनका एक 5 साल का लड़का, एतवार की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, तो गार्डन में चले जाते हैं, तो कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ खरीदते हैं, और गार्डन में एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे बैठ के खाते रहते हैं, बातें करते हैं। अब वो जो लड़का है, क्योंकि माँ बाप दोनों बातों में उलझे हुए हैं, तो लड़का क्या करता है, उनकी नज़र चुरा कर पीछे आता है, वो पीछे के पेड़ को देखता है। अब जैसे ही पेड़ को देखता है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि इसके ऊपर चढ़ के देखना चाहिए, और वो कोशिश भी करता है और वो चढ़ता है, और एक हाइट पर जाने के बाद उसको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने कुछ कर दिखाया है, और उसको ये खुशखबरी अपने माँ बाप को देनी है। तो ऊपर से क्या करता है, वो बुलाता है, मामा पापा देखो मैं कहाँ हूँ। अब पापा जैसे ही पीछे देखते हैं, दो तरीके हैं, ऑप्शन वन, जैसे ही पीछे देखा पापा ने, गुस्सा हो गए, नालायक गधा ऐसा करते ऊपर, ये क्या किया तूने, नीचे आ जाओ, उससे गुस्सा करते हैं। और जैसे ही नीचे आता है, उसको बहुत चिल्लाते हैं, और ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है, उसको बड़ा बुरा कुछ कह दिया। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही चंद सेकंड पहले जो चीज़ उसके लिए एक अचीवमेंट थी, अब वो बदल गई है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा तरीका है कि मान लो पीछे से आवाज आएगी, पापा, पापा ने पीछे मुड़ के देखा और पहला रिएक्शन, वंडरफुल भाई वाह, एक मिनट मैं आता हूँ, धीरे से नीचे आ जाओ। वो नीचे आया, आने के बाद मुझे नहीं पता था आप में ये खूबी है, खैर लेकिन इसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो पहला मुझे बताओ, प्रॉमिस। तो आपने उसका जो अचीवमेंट का जो माइंडसेट था, उसने आपने उसको ठेस नहीं पहुंचाई है, और दूसरा क्योंकि आपने उसको चिल्लाया नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये प्रॉमिस भी ले ली है कि अगली बार ऐसा कुछ करते हो तो मुझे बताना है। क्योंकि आपने उसको चिल्लाया नहीं है, तो बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आपके आपको बताएगा। तो ये जो तीनों कड़ी है ना, ये बताते हैं कि हम बच्चों को किस माइंड के साथ बड़ा करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। देखो आने वाला जो पल है, हमको पता नहीं, पार्ट जिस तरह से दुनिया बदलते जा रही है, हमारे बच्चे जब एक्चुअल वर्किंग वर्ल्ड में जाएंगे, किसी के लड़के लड़की 10 साल बाद जाने वाले हैं, किसी के 6 साल बाद जाने वाले हैं, किसी के 12 साल बाकी है, तो उस वक्त दुनिया क्या आएगी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हमको उन दिनों के लिए हमको बच्चों को तैयार करना है। वैसे भी कहते हैं कि 50% ऑफ द जॉब्स जो आज है वो शायद 6 साल 7 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ उसकी जगह नए जॉब आएंगे जिसके बारे में आज हमको पता नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज का वक्त तो बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि वो नहीं रहा पहले जैसा कि भाई इंजीनियरिंग मेडिकल बस इसके सिवा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो लोग, हम सुनते हैं कहानियाँ, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि लोग किस किस चीज़ में करियर कर रहे हैं, तो अभी तो करियर का भंडार बहुत बड़ा है। हमको ये देखना है कि हमको उसके जो दूसरे स्किल्स रहते हैं, जिसको हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं, उसकी तरफ, वो बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कि हम लोगों से बात कैसे करते हैं, जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो उनको साथ लेके, उनको मतलब अगर मान लो किसी का लड़का 7th या 8th में है, तो सब्जी लेते वक्त उसको हम चैलेंज करते कि आप कुछ खरीदो, देखो कैसे आप कैसे करते हो। तो ये सारे जो स्किल्स रहते, आप उसको वो बिल्ड करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा स्पेशल है। ऐसा
किस कहीं लिखा नहीं है कि जो जो मान लो जिसके मार्क्स कम है वो आगे जिंदगी में भी अनसक्सेसफुल है, कहीं लिखा नहीं है। इनफैक्ट आप अगर अपना दसवीं का अगर फोटोग्राफ है स्कूल का अपना खुद का या बारहवीं का या कॉलेज का फोटोग्राफ है, और जो होता ना कॉलेज में ये स्कॉलर बच्चे रहते हैं, ये एवरेज रहते हैं और कुछ शैतान रहते हैं, लेकिन आगे की जिंदगी में कौन कहाँ है ये आप खुद ही देख लो, आप समझ जाओगे हम क्या कहना चाहते हैं। ओके सो आई विश ऑल द बेस्ट।